जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा YouTube चैनल अंबाला शहर की ओर से हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की कृपा से पिछले काफी दिनों से आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्यायों की परम पावन कथा हमारे चैनल पर आप सुन रहे हो। आज तक आप पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 1 से अध्याय 29 तक की कथा हमारे चैनल पर सुन चुके हैं। आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 30 की परम पावन कथा। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी सुंदर जानकारी, वह यह है कि पुरुषोत्तम मास में परमा एकाशी व्रत 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। परमा एकाशी व्रत 13 अक्टूबर दिन मंगलवार को है। तो परमा एकाशी व्रत की कथा की वीडियो भी हमारे चैनल पर डाल दी गई है, तो उसका लिंक भी हमने इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो अब आप सुनिए पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 30 की परम पावन कथा, जो कि इस प्रकार है। आप इस कथा को ध्यान से सुने, पूरी श्रद्धा भावना के साथ सुने, क्योंकि पूरी श्रद्धा भावना के साथ अगर हम कथा सुनते हैं तो हमारे पहले के लाखों जन्मों के पापों का नाश होता है और भगवान की कृपा हमें प्राप्त होती है। तो वह कथा इस प्रकार है। बोल श्री राधा कृष्ण भगवान की जय। बोल श्री हरि विष्णु भगवान की जय। बोल श्री गौरी शंकर भगवान की जय। अब 30वां अध्याय। देव ऋषि नारद जी कहने लगे कि हे तपोनिधे, हे दया के सागर प्रभु श्री नारायण जी, आपने पहले पतिव्रता स्त्री की स्तुति की, अब कृपा करके उनके सब लक्षणों को संक्षेप में वर्णन कीजिए। इसके आगे कथा सुनाते हुए सूत जी कहने लगे कि हे ऋषियों, नारद जी के इस प्रकार पूछने पर भगवान श्री नारायण जी प्रसन्न होकर बोले कि हे देव ऋषि नारद, सुनो, मैं पतिव्रता स्त्रियों के उत्तम लक्षण कहता हूँ। पति चाहे कुरूप हो या स्वरूपमान हो, चाहे श्रेष्ठ स्वभाव वाला हो या रोग से युक्त हो या पिशाच हो, क्रोधी हो या मध्य का पीने वाला हो, वृद्ध हो, मूर्ख हो, गूंगा हो या अंधा हो, बहरा हो, भयंकर हो, तो भी पति के मन को आनंद देवे, सास ससुर विशेष करके अपने पति की सेवा करें, धर्म के कार्यों में अनुकूल रहे और द्रव्य का संचय करे, भगवान की भक्ति में विशेष रूप से मन को लगाए, व्रत और नियम को पूरा तरह से पालन करती रहे, तो ऐसी स्त्री सदा ही परिवार का मंगल करने वाली होती है। ऐसी स्त्री से परिवार सदा प्रसन्न रहता है और प्रभु भी उसके ऊपर विशेष कृपा करते हैं। आसन, भोजन, दान, सम्मान, मधुर भाषण, इनमें हमेशा घर की मुख्य स्त्री को चतुर रहना चाहिए। घर के खर्च के लिए स्वामी ने जो द्रव्य दिया हो, जो भी धन दिया हो, उसी से घर के खर्च को चलाना तथा अपनी बुद्धि से कुछ बचा भी लेना चाहिए। दान के लिए दिए हुए द्रव्य को छुपाकर अपने ही पास नहीं रखना चाहिए। पति की आज्ञा के बिना अपने बांधवों को कुछ भी धन नहीं देना चाहिए। दूसरे से बोलना नहीं चाहिए, संतोष रखना, यह सब पतिव्रता के लक्षण है। पतिव्रता स्त्री अपने अच्छे स्वभाव से, अपने अच्छे व्यवहार से परिवार को भी प्रसन्न रख सकती है और धर्म के ऊपर चलने से भगवान को भी प्रसन्न रख सकती है। इससे आगे कथा कहते हुए भगवान श्री नारायण जी कहने लगे कि हे देव ऋषि नारद, सब लोकों में और देवताओं में पति के बराबर और कोई भी देवता नहीं है। पति की प्रसन्नता से सब कामनाएं पूरी हो जाती हैं और अप्रसन्नता से सब काम नष्ट हो जाते हैं। पतिव्रता स्त्री धर्म कर्म के कार्यों में लगी रहकर भगवान को भी प्रसन्न कर सकती है, भगवान की कृपा भी प्राप्त कर सकती है और अपने परिवार वालों को भी धर्म की तरफ लगा सकती है। क्योंकि अगर पतिव्रता स्त्री चाहे तो अपने परिवार में अपने धर्म कर्म के कार्य से परिवार वालों को भी ऐसी शिक्षा दे सकती है कि परिवार वाले भी भगवान जी की भक्ति करें। क्योंकि अगर परिवार में सभी लोग भक्ति करते हैं तो उसका फल पूरे परिवार को मिलता है और परिवार की खुशी का सारा श्रेय उस पतिव्रता स्त्री को ही जाता है। इसलिए पतिव्रता स्त्री को चाहिए कि वो धर्म के कार्य में सदा लगी रहे और अपने परिवार की खुशी के लिए सब कार्य करे, तो ऐसी स्त्री के ऊपर भगवान भी कृपा करते हैं। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की कृपा ऐसी पतिव्रता स्त्री पर सदा बनी रहती है। तो इस प्रकार पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 30वें अध्याय की कथा का यहाँ पर विश्राम होता है।
आज तक पुरुषोत्तम मास महात्म्य के अध्याय 1 से लेकर अध्याय 30 तक की कथा की सभी वीडियो के लिंक हमने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं। अगर आप किसी भी अध्याय की कथा को सुनना चाहते हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर आप किसी भी अध्याय की कथा के लिंक में जाकर उस कथा को सुन सकते हैं। तो यह सारी कथा आप मंदिर श्री बंसी वाले महात्मा यूट्यूब चैनल अम्बाला शहर की ओर से सुन रहे थे। आप सबका हार्दिक धन्यवाद। भगवान श्री राधा कृष्ण जी की, भगवान श्री हरि विष्णु जी की, भगवान श्री गौरी शंकर जी की कृपा सदा आप सब पर बनी रहे। इसी मंगल कामना के साथ जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।